व्यापारी आज जीएसटी को लेकर व्यापारी परेशान। कांग्रेस ने एक अपने छाते के नीचे इन सबको छा दिया। इतना आप लोगों ने प्यार दिया उनको तो जरूर आएंगे। यूं तो कांग्रेस का गढ़ कहलाने वाला अमेठी अक्सर सुर्खियों में रहता है, मगर कांग्रेस नेता अजय राय के बयान के कारण अमेठी एक बार फिर से चर्चा की वजह बन चुका है। कांग्रेस नेता अजय राय ने बुधवार को राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगे। निश्चित तौर से आप सब लोगों का स्नेह प्यार उनको मिला है। आप सब लोग लड़ाएंगे, जरूर लड़ेंगे। इतना आप लोगों ने प्यार दिया उनको तो जरूर आएंगे, प्यार कैसे भूल जाएंगे। कांग्रेस नेता अजय राय यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा बीजेपी लोगों को तोड़ने का काम करती है और कांग्रेस लोगों को साथ जोड़ने का काम करती है। जहां एक तरफ कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो वहीं बीजेपी नफरत पैदा करती है। लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, लोगों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है। इन सब चीजों को जोड़ने का, इन सब चीजों को साथ जोड़ने का कि हमारा देश किस तरीके से साथ रहा है, साथ जुड़ा रहा है। हर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे इस देश के चार घोड़े हैं वो चारों मजबूत रहे, इस नाते भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। वर्तमान की जो सरकार है जो केवल तोड़ने का काम कर रही है, केवल अब नफरत पैदा कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, व्यापारी आज जीएसटी को लेकर व्यापारी परेशान है। पूरी दुकान बंद करके लोग भाग रहे हैं, ऐसे अगर डकैत हैं, चोर हैं, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये कभी कांग्रेस के समय में नहीं था। हम सब लोग सबको जोड़कर किसान, व्यापारी, हिंदू, मुसलमान, सिख, हर वर्ग के, हर जात, हर धर्म के लोगों को इस तरीके से कांग्रेस ने एक अपने छाते के नीचे एक सबको छा दिया, उसी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आपको बता दें अमेठी वो सीट है जहाँ से 2019 में लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर एक नया इतिहास रचा था। इससे पहले राहुल गांधी ने लगातार 3 बार अमेठी से जीत हासिल की थी। राहुल से पहले भी ये सीट कांग्रेस के ही पाले में थी। इससे पहले संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी अमेठी से सांसद रह चुके थे। अब एक बार फिर से चुनाव होने हैं और राहुल गांधी के यहाँ से लड़ने वाले बयान के बाद सियासी गलियारों में अमेठी चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना यह होगा क्या 2024 में कांग्रेस जीत का परचम लहरा पाएगी या फिर भाजपा एक बार फिर से बाजी मार जाएगी। व्यापारी आज जीएसटी को लेकर व्यापारी परेशान। कांग्रेस ने एक अपने छाते के नीचे इन सबको छा दिया। इतना आप लोगों ने प्यार दिया उनको तो जरूर आएंगे।